सभी सामग्रियों को तो बता दिए दीदी, अब हमको बना के दिखाओ तो कैसे बनाते हैं। हाँ भैया बना के दिखाऊंगी भैया। ये नीम की पत्ती है, ये लहसुन 30 गो, ऐसे बारीक पीसेंगे भैया ताकि ये खर्रसा निकल जाए। अब ये पिस गए भैया, इसको अब हम रख देंगे। भैया ऐसी सीताफल की पत्ती है, एक लहसुन 30 गो। अच्छी से पीस कर ताकि यह एक रस निकल जाएगा। फिर भैया ये लहसुन की पत्ती है, एक लहसुन 30 गो बेसन, ताकि एक रस भी निकल जाए। ये निर्गुंडी के पत्ती भी घुस गए भैया, वही लहन अब अलग धर को। सबको तो पीस लिए दीदी, अब क्या करोगे भैया? ये गोबर ना या मटका मा बर्तन, भैया यहाँ 2 लीटर गौमूत्र है, एना हम यह मटका के गोबर में डाल थन और एना हम अच्छा से मिला दो भैया। हम एना मिला था अच्छा से मिला दो कि ये दोनों गौमूत्र और गोबर बराबर मिल जाए। और भैया यह 50 ग्राम गुड़ला या 1 लीटर पानी में मिला दो, एना मिला अच्छे से पानी में या गुड़ मिल जाए। इसके बाद भैया ये मिट्टी है या एक मुख्य मिट्टी है, एक लहन या गुड़ में पानी दे लहन, एना मिला था अच्छे से मिला के दोनों बराबर मिल जाते थे।